हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द टॉप हाफ ऑफ व्हिच इज परफेक्टली स्मूथ एंड द लोअर हाफ इज रफ। फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेट ऑफ द बॉडी इफ द बॉडी इज वर टू रेस्ट जस्ट व्हेन इट रीचेस द बॉटम, द एंगल ऑफ प्लेन बीइंग 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है रेशियो ऑफ फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा की कॉन्सेप्ट होगा कि आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को बना लें और फिर हम कंपोनेंट्स करेंगे, उसी के बेस पर हम इसको डिसाइड करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, इस तरह से हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, ये पॉइंट ए है, ये कहीं मिड में पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर इस जगह पर सी। ठीक, ये यहां से यहां तक की दूरी जो है एल, ये एल है, और वो भी यहां से यहां तक की क्या है, एल। ठीक, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की है, दैट इज एल। ठीक है, राइट, अच्छा, तो ये दूरी भी एल है और ये दूरी भी यहां से यहां तक की जो है ये एल है। क्लियर, अच्छा, और ये जो है दिस इज स्मूथ, और जो लोअर हाफ है दिस इज रफ। ये सब बातें क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, एंगल आपको 30 दे रखा है, तो अब हम इसके कंपोनेंट करेंगे जो कि आपके लिए की कॉन्सेप्ट का काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कंपोनेंट होंगे वो ये होगा कि एम जी साइन थीटा, क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, एम ए। ठीक, एम जी साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 30 यहाँ पर पता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम कह सकते हैं एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम ए। तो एम तो एम कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ए इज इक्वल टू जी बाई टू मिलेगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपको यहां से g बाई टू मिल गया। ठीक, अब अगर a इज इक्वल टू g बाई टू है, तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, तो v इज, अगर मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट b, इस b पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, तो हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं vb स्क्वायर, एक्चुअली लिख सकते हैं, तो लेट मी राइट दिस एज vb। सो vb स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू तो 0 है, प्लस 2a की वैल्यू है g बाई टू, और डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, एल। ये अपर हाफ के लिए मैं कर रहा हूं, यहां पर वो जो ये वाला जो स्मूथ वाले सरफेस के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको यहां से वीजी वीबी की वैल्यू जो मिलेगी, फ्रॉम हियर यू विल गेट वीबी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जीएल। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ वीबी, मिल गई। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे चेक करना है। ठीक है, ये जो वीबी होगी, और यहां पॉइंट पर वीए पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन यहां पर जो vb की वैल्यू हो जाएगी वो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं, तो अगर हमें वेलोसिटी एट a निकालना है, तो हम कह सकते हैं दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और यहां पर क्या है, u v की वैल्यू 0 है, ये की u की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ gl, यानी कि gl बचेगा सिर्फ u स्क्वायर के लिए, मतलब ये हमारा हमने u मान लिया फॉर va, va निकालने के लिए, va के लिए प्लस 2a की वैल्यू यहां पर। ठीक है, ए की वैल्यू दीजिए उठा के यहाँ पर, ए चलिए यहाँ ए रख दें अभी, और एस की वैल्यू यहाँ पर एल है। ठीक, तो आप इसको उधर ले जाए, तो हो जाएगा माइनस जी एल इज इक्वल टू 2 ए एल। तो एल से तो एल हटा दीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस का जी बाई टू, ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई माइनस जी बाई टू। ठीक, अच्छा, अब ये तो हमें यहाँ पर से मिल गया, अब हमें क्या करना है, बॉटम हाफ में चेक करना है, क्योंकि हमें निकालना है। तो मैं अगर फिर से ड्रॉ करूँ यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बॉटम हाफ के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, ये एन है, तो इस पर देखिए, इसका अगर कंपोनेंट्स करना चाहूँ मैं, तो कंपोनेंट्स कैसे होंगे यहाँ पर, देखिए इस टैक्स में लगने वाला एन, नीचे तरफ लगने वाला क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, वो क्या होगा बोल रहा हूँ, ये एम जी लगेगा ना नीचे, टैक्स सीधे नीचे, तो ये थीटा एंगल एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर लगने वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर लगने वाला जो है एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, सो नेट एफ कितना आएगा, सो एफ नेट इज इक्वल टू यहां से निकल के आएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर। तो ए यहां पर है माइनस जी बाई टू, सो ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, दैट इज एम। तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, फर्दर राइट दिस एज एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई एम। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए -g/2, तो आप इसको रखेंगे -g/2 इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी जब आप थीटा यहाँ पर 30 है, ये बता दीजिएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एम जी बाई टू, और मैंने इसमें सबके लिए अलग अलग एम कर दिया, -fr/m, समझे। तो यहां से बच्चों मैंने ये और ये हटा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू fr/m इज इक्वल टू, यहाँ से क्या निकलेगा, या दैट इज इक्वल टू यहाँ पर g/2 + g/2। तो f की वैल्यू जहां से f/mg आएगी, तो वो क्या आ जाएगी, तो बच्चों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्पेस लिखने के लिए, सो f/mg आएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखो तो f/mg यहाँ पर है क्या, f/mg ही तो रेशियो है, किसका रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स बाई वेट ऑफ बॉडी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एफ आर यहाँ पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाई वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।